राजस्थान गौरव यात्रा, ये वो स्थान है, आप ही का एरिया है जहाँ पे सबसे बड़ा आगाज होगा। किस तरह की तैयारी लग रही है और कैसा आगाज होने की संभावना है? जबरदस्त तैयारियां हैं, पूरे माहौल आप लोगों को दिख रहा होगा। पूरा राजसमंद जिला पलक पावड़े बिछाकर और राजस्थान की मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, इनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और उस तैयारी को हम देख रहे हैं कि गांवों से बसेस निकलनी शुरू हो गई है, सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी के साथ में पूरे व्यवस्थाएँ, चाहे पंडाल की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की हो, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे जल व्यवस्था हो, हर व्यवस्था को बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है कि कहीं कोई कमी ना रहे। और सारी चीज़ों को मैं ये समझती हूँ कि जो जनता का उत्साह है वो सबसे बड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की पहली यात्रा नहीं, ये तीसरी यात्रा है। पहले भी दो यात्रा जो उन्होंने करी, चाहे वो परिवर्तन यात्रा हो, चाहे वो सुराज संकल्प यात्रा हो, चारभुजानाथ के दर्शन करने के बाद जो भी कामना की जाती है वो हमेशा पूरी होती है। और हमने ये देखा कि उन दोनों यात्रा के बाद बहुत सफलता मिली है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूजा अर्चना करके चारभुजा जी के अंदर अपने संकल्प लेंगे और चारभुजा से शुरू करेंगे। सभा हमने कांकरोली में रखी है, लेकिन बहुत जबरदस्त उत्साह है। किरण जी, कहा जाता है मेवाड़ और वागड़ ये वो एरिया है जो राजस्थान की राजनीति की तस्वीर और तकदीर बदलता है, क्या यही कारण है कि जो भी यात्रा होती है वो इसी जगह से शुरू होती है? ये बिल्कुल एक कारण ये भी है, लेकिन इससे सबसे बड़ा कारण ये है कि मेवाड़ के जो चार धाम, जिसमें कहा जाता है चारभुजानाथ, श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश, एकलिंगनाथ, तो ये जो हमारे तीनों ही धाम हैं वो तीनों राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिला एक ऐसी शौर्य की जगह है जहाँ हम कह सकते हैं कि शक्ति भक्ति की जगह है ये। यहाँ पर पन्नाधाय के बलिदान का स्थान यहाँ पर है, कामेरी यहाँ है जिस कामेरी के अंदर उनका पन्नाधाय का ससुराल था, कुंभलगढ़ का फोर्ट यहाँ पर, राणा कुंभा ने जिस फोर्ट को विश्व प्रसिद्ध फोर्ट यहाँ पर है। इसी तरीके से महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप शौर्य की गाथाएं हम सुनते हैं, वो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, जो राजसमंद जिले के अंदर आती है। यहाँ राणा राज सिंह जी, जिन राणा राज सिंह जी ने इस राजसमंद को बसाया और ऐतिहासिक झील का निर्माण किया, जो ऐतिहासिक झील एशिया की सेकेंड नंबर मीठे पानी की झील है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये वैसे भी हर दृष्टि से, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, चाहे धार्मिक स्थान से देखें और चाहे पॉलिटिकली देखें, हर दृष्टि से ये स्थान सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ से इस यात्रा को शुरू किया। वीरों की जगह है, शौर्य की जगह है, तो यही माने कि शौर्य दिखाने के लिए ही एक बार फिर ये रैली यहाँ से शुरू हो रही है। क्या मानते हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस तरह की ये जो रैली है जो यहाँ से आगाज हो रहा है, इसका कितना संदेश पूरे राजस्थान में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाएगा? देखिए, ये जो स्थान जहाँ से शुरू हो रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से जो चीज़ शुरू हुई है उसको पूरी हम लोगों को सक्सेस मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में 2018 की जो सरकार हमारी बनेगी वो बीजेपी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का शासन आए, यही जनता की भी अपेक्षा है। क्योंकि जनता ने देखा है जो 5 साल उन्होंने, उसी 5 साल के ऊपर वो फिर धन्यवाद का मोहर लगाना चाहती है। इसलिए कि जो विकास के काम हुए उस पर उन्हें शाबाशी जनता ने जब तक हमें नहीं दी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए शाबाशी देने का समय है। राजस्थान की मुख्यमंत्री राजस्थान गौरव यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेने जा रही है और जनता भी उन्हें धन्यवाद देना चाहती है इस यात्रा के माध्यम से। तो एक इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है कि जिससे कि राजस्थान की सरकार बीजेपी की बने और इसमें कोई संशय नहीं। कितनी उम्मीद की जा रही है किरण, कितने लोग यहाँ जुटेंगे इस सभा में? इस सभा के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का यहाँ पर एकत्रीकरण होगा, ऐसी हम लोगों की मान्यता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है और पूरी तरफ से, चारों तरफ से लोगों का आना शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मुस्कान, जो सफलता की मुस्कान के चेहरे पे नजर आ रही है, क्योंकि मेहनत की है, तैयारी की है और इसी तैयारी का इनको लगता है कि जो प्रतिफल है वो यहाँ मिलने वाला है।